हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज का प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन 1 - sin 2x / x + cos²x। देखिए सोल्यूशन, डिनोमिनेटर मींस नीचे वाले का डेरिवेटिव ये ऊपर में है, x का डेरिवेटिव तो 1 दिख ही रहा है, इसका ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन जब चेन रूल अप्लाई करके जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये sin 2x बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव ये है, इसलिए इसको टी पुट कर दिया जाए। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रॉब्लम है, ये सीबीएसई में ऑलरेडी आ चुका प्रॉब्लम है, ये सीबीएसई आया हुआ प्रॉब्लम है। CBSE 2000 में आया हुआ है, तो पुट कर दिया जाए। पुट x + cos²x = t। पुट करने के बाद डिफरेंशिएट होता है, तो देयरफॉर x का डेरिवेटिव 1 हो गया। चेन रूल लगेगा, पहले पावर 2 का होगा +2cos x, फिर cos x का डेरिवेटिव आएगा -sin x, dx पार्शियल होता है इसलिए dx आएगा, t का डेरिवेटिव 1 हो गया, पार्शियल है इसलिए dt आएगा। ये देखिए 2 sin x - cos x sin 2x होता है, माइनस को यहाँ राइट ऑन कर देंगे तो ये मिलकर क्या बन जाएंगे, sin 2x बन जाएंगे। दिस इंप्लाइज 1 - sin 2x, dx = dt, और यहां पर वही है। अब इंटीग्रेशन को टी में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो आई फॉर इंटीग्रेशन i = इसको टी पुट किया तो ये बन गया 1/t, और ये दोनों मिल करके यहां से क्या मिल रहा है, डी टी, जहां से डिफरेंशिएट किया वहां से ये दोनों मिल करके बन गया डी टी। 1/t का भी इंटीग्रेशन है, 1/t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log|t + c। इंटीग्रेट करने के बाद जैसे इंटीग्रेशन का साइन खत्म होगा प्लस सी आ जाएगा। इंटीग्रेट करने के बाद टी के प्लेस पर जिसको टी पुट कर दिए थे उसको यहां पर राइट डाउन कर दिया जाएगा, तो दिस इक्वल टू बन जाएगा log|x + cos²x। एक चीज और यहां पर आप कुछ सही है, प्लस सी टी के प्लेस पर टी का वैल्यू राइट डाउन कर दिया गया और वही आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर, राइट डाउन कर लिया जाए। अगली क्लास में हम लोग और प्रॉब्लम देखेंगे।